नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की क्या जरूरत, तुम दिशाएं बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी हार मान चुके हैं, जो गिवअप कर चुके हैं, जिन्हें अब नहीं लगता कि 90-95% यहां से लाना पॉसिबल है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो आप प्लीज इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनमें होप अभी बाकी है, जिनमें उम्मीद अभी बाकी है, जिनको लगता है कि चीजें अभी भी यहां से भी इस पॉइंट से भी अचीव की जा सकती है, इस पॉइंट से भी आप 90-95% ला सकते हो अगर आप डेडिकेशन के साथ, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, अगर आप पूरे हार्डवर्क के साथ, पूरे स्मार्टवर्क के साथ अभी भी मेहनत करोगे तो यहां से भी आप इजीली तरीके से अपना जो गोल है, अपना जो डिजायर है, उसे अचीव कर सकते हो, 90-95% क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हो। तो आज की वीडियो में हम तीन चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं जिस पर अगर आप फोकस करोगे तो आप इजीली अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि बचे हुए टाइम पीरियड में आप इस बचे हुए टाइम पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हो, क्या आप सिलेबस को कवर करने के पीछे भाग रहे होते हो या आप उन चीजों को पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ोगे इसमें से कोई भी चीज पूछ ली जाए आप उसका आंसर दे दोगे। यहां दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो सिलेबस कवर करने के पीछे भागते हैं कि मैं ये भी कर लूं, 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 और 10 चीज करने के चक्कर में उन्हें एक भी चीज अच्छे तरीके से नहीं आती, इसलिए जब वो एग्जाम में जाते हैं कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है उनसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को अच्छे से किया नहीं है, उन्होंने टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया, पीवाईक्यूज नहीं लगाए, सैंपल क्वेश्चन नहीं लगाए। वहीं दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो जितना पढ़ते हैं वो परफेक्टली पढ़ते हैं, उनमें से उनको कुछ भी पूछ लो उनको उसका आंसर आ रहा होता है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सिर्फ इतना ही है कि वो उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, उसके सैंपल क्वेश्चंस लगाते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, हर एक चीज करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो चीजें उनको लॉन्ग टर्म तक उनके माइंड में रिटेन रहती है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप टाइम टू टाइम रिविजन कर रहे हो तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे आ ही रहा होगा। तो ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चे हुए टाइम पीरियड में हम जितना सिलेबस कवर कर रहे हैं टाइम टू टाइम उसका रिविजन करते रहना है। दूसरी चीज है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा एग्जामिनर किस तरीके से पेपर को चेक कर रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि हमारा पेपर कैसे चेक हो रहा होता है। हमें लगता है कि एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर अपने मूड से चेक नहीं करता, उनको एक सैंपल आंसर की दे दी जाती है, उनको एक मार्किंग स्कीम दे दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो चेकिंग करते हैं। इसमें पॉइंट वाइज आपको हर एक नंबर के लिए आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि अगर आप ये स्टेप लिखोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, अगर आप ये स्टेप लिखोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको माइंडसेट समझना है एग्जामिनर का कि वो किस तरीके से पेपर को चेक कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको 15-20 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं जिनकी मार्किंग स्कीम आपके पास अवेलेबल हो। हर एक सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद आप उस मार्किंग स्कीम के साथ उसे एनालाइज कर रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा और उसके अकॉर्डिंग मुझे कितने नंबर मिलने चाहिए थे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम एग्जाम में लिख के आते हैं, फिर हमारी कंप्लेन होती है कि लिख के तो सब आया था, एग्जाम में नंबर नहीं मिले, एग्जामिनर ने नंबर काट लिए। उसने नंबर काटे नहीं, जो एग्जाम में पूछा गया था वो आपने लिखा नहीं, क्योंकि जो आपको लग रहा था और जो एग्जाम में पूछा गया था दोनों अलग-अलग चीजें थी। इसलिए करना क्या है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं एंड मार्किंग स्कीम के साथ एनालाइज करना है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस तरीके से उसका आंसर किया जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट रखना है। देखिए एग्जाम में आपको आता कितना भी हो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपने गंद मचा रखी है, अगर आपने सीरियल वाइज नहीं लिख रखा है, अगर आपने लाइंस नहीं छोड़ रखी, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। देखिए जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसको आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही होती, उसको आपका नाम नहीं पता होता, उसको क्या दिख रही होती है, सिर्फ आपकी आंसर शीट। उस आंसर शीट में आपने चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अगर आंसर्स को अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर राइटिंग नहीं भी अच्छी है तो आपने स्पेस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, तो एग्जामिनर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि ये अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहा है और वो इंपैक्ट का बेनिफिट आपको आपके मार्क्स में दिख रहा होगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अगर आपकी राइटिंग नहीं भी अच्छी है तो राइट वर्ड्स के बीच में गैप्स लिख के दीजिए कि जितनी कम से कम मिस्टेक हो सकती है उतनी कम से कम मिस्टेक कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप छोड़ दीजिए। इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती जाएगी। और ये चीज हमेशा याद रखना कि प्रेजेंटेशन इज द किंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। ये लाइन अगर आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल रहा होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ये मत सोचना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इसको छोड़ देता हूं, छोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो क्या उसके नंबर आपको मिलने वाले? नहीं मिलने वाले। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपको 0 मिलेगा,
बल्कि आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं सब आप लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से सब लिख लीजिए। उससे होगा क्या, एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा ना तो आपका एक ऑलरेडी अच्छी इमेज इसके माइंड में बन चुकी होगी कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको किस तरीके से टैकल करना है, देखिए उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको है, पता है, उस सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को वहां लिख दीजिए। देखिए हर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उससे रिलेटेड जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आप वहां आंसर शीट में लिख रहे होंगे। मान लीजिए 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है और अगर वो पांचों क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो अगर आप कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वहां 10 में से 5 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, कम से कम वो आपको 4-5 मार्क्स तो मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने मार्क्स और कमाने हैं। देखिए 80-85 नंबर्स तो आ जाते हैं, बट उसके बाद जो ये 5-10 नंबर आते हैं ना वो स्मार्ट वर्क से आते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना, एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। अगर ये तीनों चीज आपने अच्छे से समझ ली, इनको फॉलो कर लिया, तो आप एग्जाम में पक्का 90-95% ला रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आई विल स्कोर 95% इन माय बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।